हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक मेडिसिन का रिव्यू लेकर आई हूँ। ये मेरा बिल्कुल भी ऑनेस्ट रिव्यू है। इस सिरप का नाम है मैक्स्ट्रा सिरप और मेरे बच्चे को भी जब भी कोल्ड कफ, रनी नोज, नसल कंजक्शन, ब्रीदिंग में इश्यू होता था, बार बार बच्चे को स्नीजिंग होती है या थोड़ा फीवर भी है उस सर्दी जुकाम के साथ साथ, तो मेरे डॉक्टर हमेशा मुझे मैक्स्ट्रा सिरप प्रिस्क्राइब करते आए हैं और मेरे बच्चों पे ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बच्चों की ये जो सारी प्रॉब्लम जो कोल्ड कफ के साथ आती है उनको सॉल्व करने में ये मैक्स्ट्रा सिरप बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो अगर आपके बच्चे को भी कोल्ड कफ के लिए आपके डॉक्टर ने मैक्स्ट्रा सिरप प्रिस्क्राइब किया है तो बिल्कुल आप उन्हें दे सकते हैं। अगर नहीं किया है और बच्चे को कोल्ड कफ है तो आप अपने डॉक्टर को एक बार ज़रूर इस सिरप के बारे में पूछ सकते हैं। कोल्ड कफ के लिए ये बिल्कुल इफ़ेक्टिव है। तो कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके डोजेज के बारे में कितना देना चाहिए ये बच्चे को। तो ये मैं या आप बिल्कुल भी नहीं डिसाइड कर सकते कि ये मेडिसिन बच्चे को कितनी देनी चाहिए। इसके लिए आपको अपने डॉक्टर को ही कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेडिसिन का डोजेज डिपेंड करता है बच्चों की एज के ऊपर और बच्चों के वेट के ऊपर। तो आपके बच्चे की एज और वेट देखते हुए आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि उसको ये मेडिसिन कितनी देनी चाहिए। तो उनके हिसाब से आप अपने बच्चे को ये मेडिसिन दे सकते हैं। इसकी खास बात यह है कि फीवर के लिए आपको अलग से पैरासीटामोल देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस मेडिसिन के अंदर ही पैरासीटामोल एडेड है। तो सर्दी जुकाम के साथ साथ बच्चे को अगर फीवर भी है तो सारी प्रॉब्लम एक ही मेडिसिन से वो ठीक हो जाएगी। बार बार आपको उसे अलग मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका बच्चा 1+ ईयर का है तो मैक्स्ट्रा सिरप आप उन्हें दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो मेरे बच्चों में तो मुझे इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखे हैं। मेरे बच्चों को ये बिल्कुल सूट करता था मैक्स्ट्रा सिरप, लेकिन कुछ कुछ बच्चों की बॉडी बहुत ही सेंसिटिव होती है तो उनके अंदर ये साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। इस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट क्या है तो इसके कुछ साइन है। अगर इसमें से कोई भी साइन आपके बच्चों के अंदर दिखे तो बिल्कुल भी ये मेडिसिन देना आपको स्टॉप कर देना चाहिए। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? बच्चों के फेस के ऊपर एकदम से अगर स्वेलिंग है, फेस पूरा सूज चुका है, बच्चे को नोजिया है, कॉन्स्टिपेशन है, या फिर बच्चा पेट दर्द का बता रहा है तो हो सकता है ये मैक्स्ट्रा सिरप की वजह से होगा। तो उस कंडीशन में आपको ये सिरप बिल्कुल भी स्टॉप कर देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। जनरली तो इसके ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट मेरे बच्चों के अंदर मुझे नहीं दिखे और 99.9% तो नहीं होते, लेकिन हो सकता है कोई 0.1% ये इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये इनमें से कोई भी साइन आपके बच्चों में दिखे तो बिल्कुल भी स्टॉप कर दीजिए और अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। अगर बच्चे को सर्दी ज़ुकाम है तो कोशिश करें कि बच्चों की सर्दी ज़ुकाम को आपको होम रेमेडी के साथ ठीक कर दें। सर्दी जुकाम की शुरुआत ही अगर होगी और उस टाइम पे अगर आप बच्चे को होम रेमेडी से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों की सर्दी जुकाम 3-4 दिन में ठीक हो जाती है। लेकिन अगर 3-4 दिन के बाद भी बच्चों की सर्दी जुकाम ठीक नहीं हो रही तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और उस केस में आपको ये सिरप बच्चे को दे सकते हैं आपके डॉक्टर। तो बच्चों की सर्दी जुकाम को घर पे ही ठीक करने के लिए बहुत सारी होम रेमेडी मैंने मेरे चैनल पे ऑलरेडी शेयर करी है, तो आप उसे ज़रूर चेक करिएगा। एंड इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लें। इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिली है, यूज़फुल लगा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को दूसरे पेरेंट्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।